आज मैं आपके सामने नज़ीर अकबराबाद की एक नज़्म है, जाड़े की बहारें, यानी मौसम ज़िमिस्तान, जिसका तारुफ करवाना चाहता हूँ। और उससे पहले मैं आपके सामने नज़ीर अकबराबादी के बारे में चंद बातें अरज़ करना चाहता हूँ। नज़ीर अकबराबादी का नाम शेख वली मोहम्मद था। नज़ीर तखल्लुस दिल्ली में पैदा हुए। बचपन में ही वालिदा के साथ आगरा यानी अकबराबाद चले गए और हमेशा वहीं रहना पसंद किया। मकतब से अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। वो एक सादा और सूफी मनुष्य आदमी थे। उनकी सारी उम्र मुअल्लिमी में यानी पढ़ाने में गुजरी। शेर व शायरी से बड़ी लगाव थी। मामूली जिंदगी गुजारना पसंद किया। इसीलिए भरतपुर के हुक्मरानों ने दावतनामे भेजने पर उन्होंने उसे कबूल नहीं किया और किसी दरबार से वाबस्ता भी रहना पसंद नहीं किया। इसीलिए उनको जिंदगी जिंदगी में ज़्यादा शोहरत हासिल नहीं हुई। नज़ीर अकबराबादी हमेशा आवाम के साथ मिलजुल कर रहना पसंद किया। अवामी मौजू को मसाइल को अपनी शायरी का मौजू बनाया। आम फहम जबान में आवाम के एहसास और जज्बात को पेश करने की कोशिश की। नज़ीर से पहले कोई ऐसा शायर नहीं था, ऐसा कोई शायर नहीं करता था। इसीलिए उनको उर्दू का पहला अवामी शायर तस्लीम किया जाता है। वो हिंदू मुस्लिम सबकी खुशी और गम में शरीक रहे। ईद, शबे बारात, होली, दिवाली, दशहरा, वारस के हर त्योहार पर वो हिस्सा लिए और उस पर नज़्में भी लिखते थे। उनका मुताला बहुत वसीह था। जिंदगी के हर पहलुओं पर उनकी निगाह थी। बरसात का समा, रोटी, मेलों के नक्शे, चांदनी रात, त्योहार, हर चीज़ पर वो नज़्में लिखे। आप लोग जानते हैं उनकी चंद मशहूर नज़में हैं, रोटी नामा, मुफलिसी, इस तरह की, बंजारा नामा वगैरह, उनकी मशहूर नज़में हैं। हिंदी के अल्फाज उनकी जो शायरी में, शेर व शायरी में हमेशा नज़र आते हैं, कसरत से नज़र आते हैं। उनकी तशबीहात भी ज़्यादातर हिंदुस्तानी हैं। मौसम ज़िमिस्तान, इस नज़्म में शायर नज़ीर अकबराबादी जाड़े की बहार का तफसील से जिक्र किया है। आम तौर पर जाड़े का, यानी आप लोग जानते हैं कि सर्दी का मौसम आम तौर पर नवंबर और दिसंबर के महीने में शुरू होते हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में जोरों पर पहुंच जाते हैं, उसकी ऊंचाई तक पहुंच जाती है, शदीद सर्दी होती है। उस वक्त दिन जल्दी जल्दी गुजर जाती है। दिन देर से शुरू होती है, यानी सूरज देर से तुलू होते हैं और शाम जल्दी ढल जाते हैं, यानी सूरज जल्दी डूब जाता है। शाम होते ही सर्दी शुरू होती है और 10-11 बजे, सुबह के 10-11 बजे तक सर्दी बरकरार रहती है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे में हमारी ज़िंदगी किस तरह होगी। हम कुछ ज़्यादा मेहनत, काम काज ज़्यादा नहीं कर सकते। उसकी कैफियत शायर की जगह अगर हम होती तो उस कैफियत अगर शायर की जगह अगर हम होती तो हम उसको किस तरह बयान करेंगे। यहाँ पर शायर अपने अंदाज में इस कैफियत को कुछ बयान किया, यूँ बयान किया है। जब माह आखिर का ढलता हो तब देख बहारें जाड़े की। जब शायर कहते हैं कि जब आखन यानी नवंबर दिसंबर का महीना आता है तब हम जाड़े की बहारें देख सकते हैं, यानी उसकी शुरुआत होती है। और हंस हंस कर पोस यानी दिसंबर जनवरी का महीना जिस पर जोरों पर होती है सर्दी, और हंस हंस कर पोस उस वक्त सर्दी हद से ज़्यादा महसूस होती है, संभलता हो तब देख बहार ये जाड़े की, यानी उस वक्त सर्दी सबसे ज्यादा हमें महसूस होती है। सर्दी का बहार उस वक्त हमें दिखाई देगा। उस वक्त दिन जल्दी जल्दी चलता हो
तब देख बहारें जाड़े की और पाला बर्फ पिघलता हो, तब देख बहारें जाड़े की। यहाँ पर शायर कहते हैं कि जाड़े यानी सर्दी के मौसम में दिन जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और बर्फ यानी आइस को बनते और सूर्य तुलु होने पर उसको पिघलते देख सकते हैं। चिल्ला गम ठोंग उछलता हो, तब देख बहारें जाड़े की, तन ठोकर मार पछाड़ा हो और दिल से होती हो कुश्ती सी। यहाँ पर शायर कहते हैं कि जाड़े के मौसम में पेड़ पौधे अपने पत्ते उतारने लगते हैं, तन सर्दी से मार पछाड़ता है और दिल के अंदर कुश्ती सी होती हुई हमें महसूस होती है, यानी हमारे दिलों के अंदर जो सर्दी है और उससे जैसे उसमें से कुछ आवाज़ ऐसी निकलने लगते हैं जैसे हमारे अंदर कुछ कुश्ती सी हो रही हो। थर थर का जोर अखाड़ा हो, बजती हो सबकी बती सी, हो शोर पफू हो, हो का और थूम हो सी 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 की। यानी जब पूरे जिस्म में सर्दी से थर थर करने लगता है उस वक्त हमारे सारे जो दांत यानी 32 दांत भी बजने लगते हैं, जगह जगह से तकलीफ की आवाज़ें आने लगती हैं, जगह जगह से सी 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 की आवाज़ें, तकलीफ की आवाज़, मुसीबत की आवाज़, मुश्किलात की आवाज़ वो आने लगते हैं। कल्ले पे कल्ला लग लग कर चलती हो मुँह में चक्की सी, हर दांत चने से दलता हो तब देख बहारें जाड़े की। कल्ले पे कल्ला, कल्ला यहाँ पर मुराद बांस के है, बांस बांबू, बांस बांस से टकराती रहती है और हमारे मुँह में चक्की चलने की आवाज़, हमारे मुँह से चक्की चलने की आवाज़ें निकलती है। जाड़े में हर किसी के दांत चने चाबने की आवाज़, हर किसी के दांत से चरे मुंह से चने चाबने की आवाज़ आने लगती है, यानी यहाँ पर क्या है, हर किसी के दांत बजने लगते हैं। हर एक मकान में सर्दी ने आ बांध दिया हो ये चक्का, जो हर दम कप कप होती हो हर आन कड़ा कड़ तर तर। यानी यहाँ पर ये सर्दी हर एक मकान पर, चाहे वो अमीर के हो या गरीब के हो, किसी भी इलाके के हो, अमीर गरीब सबके घर पर आ जाती है और हर किसी को थर थराते हुए कड़ाके की सर्दी देते हैं। पेटी हो सर्दी रग रग में और बर्फ पिघलता हो पता, जड़ बांध महावट पड़ती हो और तिस पर लहरें ले लेकर। रग रग में यानी नरम्बल मुड़वनम धन सर्दी और दिन में बर्फ पिघलते हुए हम देख सकते हैं, यानी हर जगह हम क्या है, जगह जगह हम ये जो बर्फ को पिघलते हुए देख सकते हैं। और महावट, महावट से मुराद यहाँ पर सर्दी के मौसम में होने वाली एक किस्म की जो बारिश सी लगती है बर्फ की जो बरसने का वो, और जड़ बांध महावट पड़ती है और तिस तिस लहरें ले लेकर, यानी ये जो बारिश भी है सर्दी है भी वो होने लगते हैं। सन्नाटा भाव का चलता हो तब देख बहारें जाड़े की, हर चार तरफ से सर्दी हो और सहन खुला हो कोटे का। सन्नाटा हर जगह ये जो जाड़े की वजह से कहीं कोई बाहर नहीं निकलते हैं, इसी वजह से हर जगह जो सन्नाटा ही सन्नाटा है, इसीलिए कोई शोर शराबा कहीं नहीं होती है, हर जगह ये जो सन्नाटा छाया हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है कि मकानों के सहन में जो अगले लाइन में, और ऐसा लगता है कि हमें मकानों की जो सहन चारों तरफ से इस जो सर्दी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो, यानी और तन में नीमा शबनम का हो, जिसमें खस का अतर लगा, चटकाव हुआ हो पानी का और खूब पलंग भी हो बीगा। तन हमारे तन यानी जिस्म में
शबनम के बूंद अतर की तरह पड़ने लगते हैं। पानी का छिड़काव होने पर हमारे सोने के पलंग तक भीग जाने लगते हैं। हाथों में प्याला शरबत का हो, आगे एक फराश खड़ा, फराश भी पंगा जलता हो, तब देख बहारें जाड़े की। ऐसा लगता है कि हमने किसी आदमी को हमारे फराश के पास, यानी बिस्तर के पास, पलंग के पास लाकर खड़ा कर दिया हो और उनको हमने ये हुक्म दिया हो कि हमारे ऊपर पानी छिड़का दो। और उसी तरह और अगर जब ये आदमी पंगा भी चलाने लगे तो उस जो जाड़े के मौसम में, तब क्या होगा? ऐसी हालत हमारे इस जाड़े के बहार का है। मुख्तसर ये कि शायर हमारे सामने जाड़े की कैफियत मंजर को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया, आज इतना ही।